बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल अक्सर चर्चा में बनी रहती है। आज रंगोली चंदेल का बर्थडे है और इस खास दिन कंगना ने अपनी बहन को बर्थडे में एक खास तोहफा दिया है। इस तोहफे को पाकर रंगोली बेहद खुश नजर आई। दरअसल कंगना ने रंगोली को बर्थडे पर एक पपी गिफ्ट किया है जिसका नाम भी बेहद क्यूट है। रंगोली के घर के इस नए सदस्य का नाम गप्पू चंदेल है। कंगना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहन को गिफ्ट देते हुए कई सारी तस्वीरें पोस्ट की है और लिखा है, मेरी इकलौती बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वैसे तो रंगोली हमेशा से ही खुश और चुलबुली रहती है, पर मुझे पता है कि वे एक माँ हैं, इसीलिए उनके परिवार के लिए एक और सदस्य। दोस्तों, मिलिए गप्पू चंदेल से। वहीं रंगोली ने भी अपनी फोटोज खुशियों के माध्यम से शेयर की है और लिखा है, मुझे हमेशा से ही एक पपी चाहिए था, लेकिन वो तुम्हारी तरफ से चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ की हर खूबसूरत चीज़ें तुमसे ही मिली है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे इशारे को आखिरकार समझ ही गई, जो कि मैं तुम्हें इतने सालों से दे रही थी। बेस्ट बर्थडे गिफ्ट के लिए तुम्हारा धन्यवाद। कंगना और रंगोली बेहद प्यारा बॉन्ड शेयर करती है और दोनों की बॉन्डिंग अक्सर देखने को मिलती है। कंगना के वर्क फ्रंट की बात करें तो आजकल वे अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ और तेजस की शूटिंग में बिजी हैं। साथ ही कंगना थलाइवी की शूटिंग भी कर रही है। हाल ही में कंगना ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मुंबई में उनका बंगला तोड़ने का बीएमसी ने जो कदम उठाया था उसके खिलाफ उन्हें कोर्ट में जीत मिल चुकी है और इसके लिए उन्होंने अपने सभी फैंस को शुक्रिया अदा कहा है। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाइवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी लाइट अबाउट द इलीगल डिमोलिशन एंड सेड दैट इट वॉज अ लीगल एक्ट। नो इट वॉजंट। I want to thank those also who played villains because it's only because of them I can play a hero. Thank you.